सेवंथ में है यूज लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यूज लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई एटी वन पावर एन थ्री पावर फाइव प्लस थ्री पावर फोर एन माइनस वन टू फोर्टी थ्री और ये है नाइन पावर टू एन और थ्री पावर थ्री। ओके जी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि इन सारे नंबर्स को एक ही बेस में ले आए, बेस थ्री में, ठीक है, क्योंकि बेस थ्री यहाँ पर दो जगह मौजूद है, तो यहाँ पर तीन जगह बेस थ्री मौजूद है, वन टू थ्री। तो ये जो बेस थ्री में बज़ाहिर नहीं है ये नंबर्स भी हम कोशिश करते हैं कि बेस थ्री में ले आए ताकि सारे इक्वेट हो जाए। अच्छा, 81 को हम लिख सकते हैं चार दफ़ा थ्री का मल्टीप्लिकेशन, थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन थ्री ज़ार 81। सो इसको हम इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। थ्री पावर फाइव तो ख़ुद ही थ्री के बेस में है, इसको मत छेड़ो। यहाँ इसको देखो, ये भी थ्री के बेस में है, और 243 जो है वो थ्री का फाइव टाइम मल्टीप्लिकेशन है, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी 81 थ्री ज़ार 243, ठीक है, ये इस तरह है। फिर जो है नाइन को हम थ्री का टू टाइम्स मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, और थ्री पावर थ्री ये तो खुद थ्री के बेस में है, तो इसको मत छेड़ो। अभी ये जो है थ्री का मल्टीप्लिकेशन फोर टाइम्स है, तो इसका आता है थ्री पावर फोर, थ्री पावर फोर पावर एन, थ्री पावर फाइव प्लस थ्री पावर फोर पावर फोर एन माइनस वन हो गया, और ये जो है थ्री पावर फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, यस। और नीचे वाला थ्री पावर टू और होल पावर टू एन और थ्री पावर थ्री अपनी जगह पर। अब यहाँ पर आप देख ले, दो पावर्स हैं थ्री पावर फोर पावर एन, तो इन दोनों को पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, थ्री पावर फोर एन, फोर मल्टीप्लाई एन से आता है फोर एन, थ्री पावर फोर एन मल्टीप्लाई थ्री पावर फाइव, ठीक है, प्लस थ्री पावर फोर एन माइनस वन एंड थ्री पावर फाइव। यहाँ पर थ्री पावर टू पावर टू एन, दो पावर हैं तो मल्टीप्लाई, तो थ्री पावर टू टू ज़ार फोर एन, और ये है थ्री पावर थ्री, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, जिस तरह हमने पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में अगर बेसिस एक जैसे हो तो एक्सपोनेंट इसके ऐड होते हैं, यानी ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है थ्री डॉट थ्री, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डॉट एंड क्रॉस, सो इन दोनों से थ्री एक ले ले और फोर एन प्लस फाइव, फोर एन के साथ फाइव प्लस कर ले, बेस एक ले ले और एक्सपोनेंट ऐड कर ले, यहाँ पर भी ये कार्रवाई कर ले, थ्री फोर एन माइनस वन प्लस फाइव, ठीक है, और नीचे भी ये काम कर ले, थ्री फोर एन प्लस थ्री, ठीक है। अब थ्री पावर फोर एन प्लस फाइव, थ्री पावर फोर एन प्लस फोर, यानी प्लस फाइव माइनस वन, इन दोनों से फोर आता है, ठीक है। अब नीचे भी है थ्री पावर फोर एन प्लस थ्री। अब इस तरह करते हैं, एक स्टेप इसमें ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि ये यहाँ पर नहीं है ये वाला, इसको हम फोर एन प्लस फोर की इसकी तरह इन दोनों को हम इक्वेट करना चाहते हैं इस तरह, ही देखो थ्री पावर फोर एन प्लस फोर इंटू थ्री पावर वन, यही देखो
थ्री को हमने अलग कर दिया और फाइव को हमने फोर बना दिया, तो फोर प्लस वन से फिर फाइव आता है, यानी फाइव को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फोर एंड वन। यहाँ पर प्लस थ्री पावर फोर एन प्लस फोर, यहाँ पर थ्री पावर फोर एन प्लस थ्री। ये स्टेप हमने इसलिए करके, इसमें एक बहुत कमाल की चीज़ है वो जो सामने आ रही है। फिर अच्छा, इसके बाद स्टेप जो है वो ये है कि थ्री पावर फोर एन प्लस फोर एन टू थ्री प्लस थ्री पावर फोर एन प्लस फोर एन टू वन। यहाँ पर वन हम लगा सकते हैं क्योंकि अपने मकसद के लिए हम वन जो है मल्टीप्लाई की हालत में, डिवाइड की हालत में, कोएफिशिएंट की हालत में और एक्सपोनेंट की हालत में हर एक नंबर के साथ होता है। जहाँ हम ज़रूरत हो तो हम इस फैसिलिटी को अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर थ्री के साथ कुछ नहीं, मैंने वन लिख लिया, ठीक है। ये क्यों लिख लिया, अब देखो थ्री पावर फोर एन प्लस थ्री हो गया। अब यहाँ पर देखो ये ऊपर में ये चीज़ जो है दोनों कॉमन है। अभी आपको समझ आ गई कि मैंने इस फाइव को फोर और वन में क्यों स्प्लिट अप कर दिया, ये कॉमन निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फोर है यहाँ पर फाइव है, तो फाइव और फोर तो फिर कॉमन नहीं होते, तो इस फाइव से हमने फोर प्लस वन कर दिया, तो थ्री को अलग कर दिया एक टुकड़ा और ये दोनों एक जैसे हो गए। तो अब इन दोनों से कॉमन ले ले, थ्री पावर फोर एन प्लस फोर कॉमन निकल गया, यहाँ से भी निकला यहाँ से भी, तो थ्री प्लस वन रह गया यहाँ पर, थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री पावर फोर एन प्लस थ्री अपनी जगह पर है। अब देखो थ्री पावर फोर एन प्लस फोर और यहाँ पर फोर है, इन दोनों से फोर, और यहाँ पर ये अपनी जगह पर थ्री पावर फोर एन प्लस थ्री। अब ये ऐसा हम करते हैं कि ये नंबर हम ऊपर ले जाते हैं, ये थ्री पावर फोर एन प्लस थ्री हम इसके नज़दीक ले जाते हैं। लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे बेसिस हैं, तो मैंने बताया था कि बेसिस का डिवीजन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम दोनों एक्सपोनेंट्स में हम अगर बेसिस एक जैसे हों तो हम उनको डिवाइड भी कर सकते हैं और हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या बेसिस आर द सेम, तो बेस इनसे एक ले ले, और ये देखो फोर एन प्लस फोर माइनस फोर एन माइनस थ्री, ये एक्सपोनेंट जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी 4n से माइनस 4n और प्लस 3 से माइनस 3 बनेगा। अब देखो 4n और 4n कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 तो मैंने छोड़ दिया, ये 4 भी है साथ, ठीक है। अब देखो 3 पावर 4 माइनस, ये 3 पावर 4 माइनस 3 रह गया ऊपर, 4 और माइनस 3 रह गया, 4 और 4 कैंसिल। और हमारी कोशिश भी इसमें यही थी कि जहाँ जिस टर्म के साथ n हो वो हम एलिमिनेट कर ले, तो ये n वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, अब सिर्फ कांस्टेंट टर्म रह गए, 3 पावर 4 n माइनस 3 रह गया और मल्टीप्लाई 4 रह गया, ठीक है। 3 पावर 4 माइनस 3 से क्या आता है, 3 पावर 1 एंड 4, तो 3 4 आर 12 इसका आंसर है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 2 एंड द चैप्टर 2 हैज़ बीन फिनिश्ड।